आज की सुर्खियां। आज जुमेतुल मुबारक 13 जनवरी 2023, 20 जुमेदुलसानी, चंद 1444 हिजरी। श्रीनगर से होने वाली आज की मकामी अखबारात की सुर्खियां लेकर मैं आपका मेजबान सईद उबैद डेली जमाल पर हाजिर। पहले कश्मीर उज़्मा पर एक नज़र। कश्मीर उज़्मा ने जिन खबरों को अपनी पहली सफात पर जगह दी वह यूँ है। सनमर्ग में भारी बरकम बर्फौती तोड़ा गिराया। किश्तवाड़ के 2 मजदूर लुकमे अजल, लाशें बरामद। यौम जुमहुरिया से कबल सरहदों की निगरानी में इजाफा, मुमकिन दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। DGB SF अमित शाह का दौरा राजौरी, आज मुतासिरीन से मिलेंगे। सिक्योरिटी जायजा मीटिंग जम्मू में होगी। जम्मू और कश्मीर में कोरोना की फैलाव में ठहराव, दूसरे रोज भी कोई नया केस नहीं। जोनीमर में 6 शरपसंद पुलिस के हाथों गिरफ्तार। जम्मू में शदीद ठंड और धुंध का राज जारी। बिलाशुबा बहरान की हालत में है दुनिया, नरेंद्र मोदी। जनूबी कश्मीर में मुंशियात फरोश का लॉकडाउन जारी, 4 गिरफ्तार, भारी मकदार में नशीली अद्वियात बरामद। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, श्रीनगर में खवातीनों की तलाशियां। DIG वस्ती कश्मीर की जेर सदारत आला सतह मीटिंग आज होगी। चीन के साथ सूरत हाल मुस्तकिम लेकिन गैर मुतवक्का, जनरल पांडे। 2023 के लिए कोरोना मुखालिफ वैक्सीन लाजमी, वैक्सीन के बगैर किसी को हज की इजाजत नहीं होगी, सऊदी हुकाम। ये थी श्रीनगर से होने वाली आज की मकामी अखबारात की सुर्खियां। कल मिलते हैं डेली जमाल पर इसी टाइम। दीजिए डेली जमाल के एडिटर और निगरा फयाज जमाल भट्ट और मुझे सईद बैद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।